अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से अगर प्रश्न को देखेंगे तो आपके सामने एक बात समझ में आएगा, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। इसी में अगला प्रश्न कह रहा है एक पार्श्विक किसके बराबर होता है, 3.08 × 10^16 मीटर के बराबर होता है, और पार्श्विक किसका मात्रा है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दूसरा पूछ रहा है प्रकाश वर्ष क्या है, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, प्रकाश वर्ष और पार्श्विक क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं और अगला जो सवाल है कौन सा एक अदिश राशि है, तो फटाफट अंदाज आप लोग को बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट अंदाज में जवाब दें, क्योंकि थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम चल रहा है और हम ये कोशिश करेंगे कि माइक से अब आवाज की दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट बताइएगा कि निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। प्रश्न में देखिए अदिश और सदिश, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जितना भी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए ला रहे हैं, मॉडल पेपर ला रहे हैं, उसमें से अदिश और सदिश राशि बराबर पूछा जा रहा है। तो मतलब इस प्रश्न को आपको पूरा तैयार करना है, इस प्रश्न को पूरा पूरा पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से आप लोग बताइएगा कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, आयतन है, घनत्व, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है ये एक अदिश राशि का उदाहरण नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो जवाब सही है। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, मानी किस स्थिति में जो ध्वनि है उसका वेग अधिकतम होगा, 25 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, 25 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, 37 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। प्रश्न नंबर 4 का जवाब सबको देना होगा, यहां पर होगा 27 डिग्री सेल्सियस में आर्द्र वायु जो होगा उसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आर्द्र वायु होनी चाहिए और सेल्सियस यहां पर 27 है, तो जो सेल्सियस होगा आर्द्र वायु की आर्द्र होना जरूरी है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, गॉस है, वेबर है, टेस्ला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है, और उम्मीद करते हैं जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में सारे प्रश्नों के जवाब देंगे और इस प्रश्नों के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे। वीडियो फेसबुक पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और यूट्यूब पर एक साथ यहां पर लाइव चल रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, फटाफट अंदाज में प्रश्नों के जवाब देते रहिएगा और इस वीडियो के सेशन के अंत तक भी बने रहिएगा ताकि हम और आप मिलकर इस सेशन को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा टेस्ला, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रश्न नंबर 6 का जवाब सभी को देना है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निशुल्क लाइव चला जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में। जी हाँ, अगर यहां पर होगा तो अपरिवर्तित रहेगा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके फिर सामने आता है, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक या गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 का, उसका क्वथनांक बढ़ेगा गलनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेगा, प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी साइंस की सीरीज में हमने पढ़ाया हुआ है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी सवाल आपको मिल जाएंगे अगर आपने नोट्स पूरा पढ़ा होगा तो। यहां पर क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया तो पूरी तरह से जवाब आपका सही है। अगला है आपके सामने, वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी बताइए। इसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डेली की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है सभी क्लास के समाप्त होने के बाद, तो आज ही आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा ताकि हर क्लास की पीडीएफ, नोटिफिकेशन, लिंक सब कुछ मिल जाए आपको जो अभी तक नहीं जुड़े। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, व्यक्तिकरण होगा, विवर्तन होगा, परावर्तन होगा, ध्रुवण होगा, जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती। अगर प्रकाश की बात करें तो व्यक्तिकरण, विवर्तन और परावर्तन होता है, क्योंकि ध्रुवण होता है यह ध्वनि में नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह यहां पर आपका होगा डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ, आपके साथ अगला सवाल है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जोसेफ प्राउस्ट, कैवेंडिश। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में प्रश्न नंबर 9 का। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, फेसबुक पर भी, किस स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो सभी लोग बताएंगे कि जो CO2 है इसमें किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, SP, SP2, SP3, SP power 4, मतलब
पी के पावर फोर। प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा, यस पी, ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला आपके सामने, परमाणु रिएक्टर में विमंडक का कार्य करता है भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, यहां से परीक्षा में पूछा जा चुका है। परमाणु रिएक्टर में विमंडक का कार्य करता है, परमाणु रिएक्टर में तो हम जानते हैं भारी जल करता है जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं, ये भी करता है, ग्रेफाइट भी करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, ए और बी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी ऑक्सी कारक अवकारक दोनों तरफ व्यवहार करता है, HNO3, KMnO4, HNO2, HNO2, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 12 के जवाब सभी साथी देंगे, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन को हमारे साथ देख रहे हैं, जवाब सभी कहने चाहिए, गलत ऐसा ही सब लोग कमेंट करें। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा HNO2, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर परिणाम के लिए काम आएगा। यहाँ पर एक कौन सी कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता, मेरे कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिकांग में कोशिका में नहीं पाया जाता, तारक काय, गालजी काय, रसधानी, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 13 जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रसधानी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ रहे फिर से अपने अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, बताइएगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, टेप्सिन, लाइपेज। 14 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यही कठिन प्रश्न है, यही सरल प्रश्न है। जो प्रश्न आपको आते हैं वो हो गए सरल, जो प्रश्न नहीं आते वो हो गए कठिन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लाइपेज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो लाइपेज आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। अब यहां से शुरू होता है, कॉकरोच में हृदय प्रकोष्ठ की संख्या क्या होती है, जो कॉकरोच होते हैं उनमें हृदय प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 3, 11, 8, 13। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मेढक में कितने होते हैं, मेढक में हृदय प्रकोष्ठ कितने होते हैं कमेंट करिएगा। मनुष्य में कितने होते हैं, मतलब आप में कितने होते हैं, ये भी कमेंट करिएगा। कॉकरोच में 13 होते हैं। देखिए, मेढक पूछा जाता है और मनुष्य में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है, रक्त बिंबाणु का इसका जीवन काल क्या होता है, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ये बहुत बार आपकी सब पूछा है। कई बार पूछा जाता है कि WBC का जीवन काल क्या है, RBC का जीवन काल क्या है, ये सब आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहां होगा 3 से 5 दिन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब सही है। अब हम लोग विषय में अगले विषय की तरफ प्रश्न प्रस्थान करने जा रहे हैं, क्योंकि विषय अनुसार बदलेंगे, कि आपको लग रहा होगा पूरा सीरीज जो विज्ञान की तो नहीं, पूरी GS GK के। कई बार क्या होता है, विज्ञान के सवाल ज्यादा होते हैं, कभी संविधान ज्यादा होता है, कभी भूगोल ज्यादा होता है, कभी इतिहास ज्यादा होता है, कभी अर्थव्यवस्था ज्यादा होता है, कभी कंप्यूटर पूछ ले जाते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन, पुनरुद्भवन। तो 17 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, विखंडन इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है, विखंडन। अभी वो किस अलग जीवन पर, तो विखंडन द्वारा। अब यहां से इतिहास शुरू हो रहा है, अब यहां से क्या हो रहा है, हिस्ट्री के सवाल शुरू हो रहे हैं। अब यहां से इतिहास शुरू हो रहा है, इतिहास आगे बढ़ रहा है। यहां से हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, लोथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और थियरी के सेशन में आपने पढ़ा होगा, इसके MCQ सेशन में आपने पूरा पढ़ा होगा, क्योंकि विषय बार अगर आप जाएंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर पूरा प्लेलिस्ट बना है सभी विषयों की, वहां पर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ऐप पर जाएंगे वहां पर एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा में। हम चाहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके भी हमें भी बताएं और खुद भी अपनी तैयारी जारी रखें। बताइए फटाफट कमेंट करके, आप भी बताइए। धौलावीरा एकदम सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी धौलावीरा बताएं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है आपके सामने, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए, नोट संबंधी कर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं,
मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसमें देखिए जैमिनी, कणाद, चार्वाक, बादरायण, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 19 का, जितने भी साथी लोग देख रहे हैं। उत्तर मीमांसा की अगर बात करें, उत्तर मीमांसा दर्शन इंपॉर्टेंट है, ये कठिन सवालों में से गिना जाता है क्योंकि कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो बादरायण होगा, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, डी होगा। अगला जो सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? जो हाटक था, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? सभी लोग जरूर जवाब देंगे कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, अस्मत, कंबोज, गांधार, सूरसेन। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे गलत या सही, हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद की मैंने जब एक ट्रिक पढ़ाई थी, जब मैंने प्राचीन इतिहास की सीरीज पढ़ाई थी जो अभी आपको यूट्यूब पर भी होगा और ऐप पर भी होगा, वहां पे जाके देखिएगा, तो मैंने उस समय एक लाइन क्रिएट करके बताया था किसकी किसकी राजधानी रही है, कौन बाद में रही, कौन अब रही है, महाजनपद इस समय कहां है, तो मैंने पढ़ा, अगर एक बार आपने देखा होगा तो याद होगा। हाटक जो थी कंबोज की, किसकी? कंबोज की, मतलब बी वालों के जवाब यहां पर सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ, आपके ही साथ बढ़ गए। अगला है, कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? नहीं है को ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए प्रश्न को पढ़ना भी सीखिए ताकि कहीं भी कोई भी त्रुटि ना हो, कहीं भी कोई गलती ना हो। जवाब सभी लोग दीजिएगा। आचार, जो आचारक सूत्र है, कल्प सूत्र है, अवदाना शतक है, ठीक है, और भगवती सूत्र, तो आप इस प्रश्न को एकदम जान लीजिएगा कि एक जैव ग्रंथ है जो है आचारक सूत्र है, कल्प सूत्र है, अवदाना शतक है, लेकिन भगवती सूत्र नहीं है। तो यहां पर नहीं 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 यहां पर है भगवती सूत है लेकिन अवदाना शतक नहीं है, अवदान शतक नहीं है, तो अवदान शतक यहां पर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल तीन, यहां पर केवल तीन होगा, तीन चार नहीं होगा, केवल तीन, अवदान शतक, ठीक है, ये एक जैव ग्रंथ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर डी। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आपके साथ ही फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी, वहां भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम हलवा सवाल है, एकदम सरल सवालों में आता है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देंगे। बिन कट विशेष है, कुजुल कट विशेष है, कनिष्क है, वासुदेव है। 22 का जवाब सभी लोग को देना है, कनिष्क नहीं थे, वासुदेव नहीं थे, कट विशेष दोनों में थे। अब कौन कट विशेष थे, बिन या कुजुल? तो आपको याद होगा सर कुजुल पढ़ाए थे, तो कुजुल कट विशेष, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये सरल सवालों के अंतर्गत आते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आपको कठिन लगेंगे। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है, तुगलक नामक रचना किसने किया था? बताइए तुगलक नामक रचना, बताइए तुगलक नामक रचना किसने की? प्रश्न नंबर 23 के जवाब सभी को बताना है। अबुल फजल, जियाउद्दीन बरनी, अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो। आपने देखा होगा जहां पे मध्यकाल इतिहास खत्म हुआ है, नोट्स में वहां पे सभी प्रमुख रचना और उनके रचनाकर्ता के नाम, ध्यान से अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो इसलिए दिया गया लास्ट में, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके आते हैं, तो इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहां कहां से पढ़ना है, किस विषय के कहां से प्रश्न आते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। तो जितने भी साथी मित्रों ने प्रश्न का उत्तर डी बताया उनके जवाब पूरी तरह से सही है, तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दिल, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, जियाउद्दीन बरनी से बहुत सवाल पूछा जाता है, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल सवाल खूब ज्यादा आते हैं, ये भी आपको नोट से मिल जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है? अच्छा, गुलाम वंश किसे कहा जाता है, जरा कॉमेंट करके बताइए, गुलाम वंश कितने लोगों ने पढ़ा है, गुलाम वंश को कितने लोगों ने पढ़ा या सुना है, गुलाम वंश को कितने लोगों ने पढ़ा और सुना होगा? कोई भी किताब पढ़ा होगा आपने तो इसके बारे में आपने पढ़ा सुना जरूर होगा, तो फटाफट अंदाज में जाइए कमेंट करके और जवाब दीजिएगा सभी लोग। दिल्ली सल्तनत किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? बहुत ही यूनिक सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, बलबन। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो ये इसका थोड़ा सा छोटा सा शासन काल था, ठीक है, तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और फिर गुलाम का भी गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, इसलिए यहां पर सवाल का उत्तर क्या होगा। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब देंगे, किस शासक ने दिल्ली को राजधानी परिवर्तन बनाया था? तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था,
रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जितने लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं सेशन को। हम और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है दार उल सफा की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दार उल सफा की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 25 का जवाब देना है फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स में बात मैंने आपने और गौर किया होगा, प्रमुख स्थापत्य कला उनके निर्माण करता एक चार्ट बनी है, वो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा जो नोट्स लेने को दुर्गेश का है, ठीक है, वो आपके लिए काम आ जाएगा। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी, ये छोटे बड़े सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक एकदम सही जवाब है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर आपने इस प्रश्न का ये जवाब दिया तो कोई दस राइट है। अगला है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक से सवाल पूछा जाता है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, गंगर द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेंकट का कोई जिक्र नहीं होता आपको, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आज परीक्षा प्रश्न नहीं आ सकते। देवराय किसी देव से आता है, तो देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, किसी देवराय, तो इसमें से दो सेम है, हो सकता है इसी में से कोई एक विकल्प हो। तो जब प्रश्न में माइनस मार्किंग नहीं होगी तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा मेहनत करके कर पाएंगे, जहां माइनस मार्किंग होती है वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहां पर क्या होगा, देवराय द्वितीय, ठीक है, यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, बी होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे जानकारी ले सकते हैं, सभी जौनपुर से चलती है, पीसीएस के लेखपाल के सुपरटेट केबीएस पीसीएस, इसके अलावा भी जो नोट्स हैं वो भी आपको आसानी से घर बैठे मिल सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती हुआ, वीडियो एग्जाम हुआ, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आगे बात करते हैं, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, 1665, 1666, 1674, 1675, सभी साथ ही प्रश्न का जवाब देंगे प्रश्न नंबर 27 का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, 27 का जवाब दीजिएगा, 1674, एकदम यूनिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास का वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बड़े परीक्षाओं में पूछने का ट्रेंड है, लेकिन छोटे परीक्षा में भी तैयार करना है, बड़े परीक्षा के लिए तैयार करना है, कौन सा प्रश्न कहां पूछा जाए या कहां नहीं जा सकता, बस आपको हम सबको अपनी तैयारी पर फोकस करना, अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी, गलत होगा गलत होगा, लेकिन दोबारा अगर प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा ना आपसे। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर, नीना डी कुन्हा, तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा नीना डी कुन्हा, सी वाला जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फ्रांसो जो अल्फांसो डी अल्बुकर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप इसको पूरा पढ़े होंगे तो आपका जो सेशन है ना पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपको तैयार भी होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है अंग्रेजों और फ्रांसिसों के बीच पेरिस की संधि कब हुई, अंग्रेजों फ्रांसिसों के बीच जो पेरिस की संधि हुई थी वो कब हुई थी बताइए, 1756, 1760, 1761, 1763, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है आपके जीएसजी के विविध के जो मॉडल पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग जवाब दीजिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, 1763 एकदम राइट आंसर है, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी 1763 बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, माने किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, सिसुनाग वंश, 30 का जवाब सभी साथी देंगे, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी, गुप्त वंश, वैष्णव धर्म को संरक्षण किसने दिया था, गुप्त वंश ने। सन्यासी आंदोलन संबंधित कौन से एक नेता नहीं था, नहीं था वाला ध्यान से देखेंगे, बताइए फटाफट कमेंट करके, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, शंकर सिंह, मंजर साहब, 31 का जवाब दीजिएगा सब। देखिए भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी, मंजर साहब, शंकर सिंह नहीं थे, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका सी होगा। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, हमने आपको
आपको अब यहाँ से भूगोल शुरू हो रहा है, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, आपका भूगोल शुरू हो रहा है, भारत का भूगोल का पहला सवाल आ गया। अब आप तुरंत दिमाग लगाइए किसकी सीमा नहीं लगती, म्यांमार की सीमा कितने राज्यों को छूती है, एकदम याद कर लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। अगर हम इसको कुछ इस तरह से अगर हम देखें, अगर मानचित्र आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर फीड होगा, माना ये हमारा भारत है, तो ये म्यांमार जो है ना यहाँ पे चार राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, जरा सभी लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग हैं। प्रश्न नंबर 32 से जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। देखिए त्रिपुरा, देखिए यहां पर है इसलिए त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड की लगती है, मिजोरम की लगती है और यहां पे मणिपुर की लगती है। चार राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों की, चार राज्यों की सीमा लगती है। चार राज्य भी आपके सामने आ गए, उम्मीद करते हैं अब यहां पर किसी का गलत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। गाडविन आस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो गाडविन आस्टीन है इसे केटू के नाम से जानते हैं, लद्दाख में, जास्कर में, काराकोरम, कैलाश, सभी साथी जवाब देंगे जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब देंगे सभी लोग फटाफट कमेंट करके। गाडविन आस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश, 33 जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, काराकोरम श्रेणी में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तवा किस नदी की सहायक नदी है, ये सब आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आसानी से मिल जाएंगे। तवा किस नदी की सहायक नदी है, 34 जवाब दीजिएगा सभी लोग। महानदी, चंबल, ताप्ती, नर्मदा, एक चार्ट बना हुआ नोट्स में, वो आपके काम आ जाएगा। नर्मदा इस प्रश्न का सही जवाब है, सी। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, तमिलनाडु, 35 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। उत्तर पूर्वी मानसून, यूं कह सकते हैं लौटते मानसून, लौटते, तो जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जो आपने पढ़ा होगा एक यूरोप है, अफ्रीका है, उसके बीच में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में पति चक्रवात का जन्म होता है, उसकी वजह से उसकी जो धारा है ना पूरब की तरफ बढ़ती है, पूरब तरफ आने के बाद यहाँ पर वो टकराती है। ठीक है, टकराने के बाद एक तो ऊपर चली जाती है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, कुछ ऊपर चली जाती है, कुछ भारत की पर्वत श्रेणियों में आ जाती है, तो जो पर्वतों में जाती है, जो पर्वत श्रेणियों के बीच जाती है वहां पे हिमपात करती है। क्या करती है, हिमपात करती है। अगर हिमपात करने के लिए राज्य पूछा जाए तो यहां पर क्या हो गया आपका, पर्वतीय राज्य में जम्मू कश्मीर हो गया, यहां पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर क्या होगा, हिमपात करती है। लेकिन भारत में जब मैदानी क्षेत्रों की तरफ प्रवेश करती है, जब ये हिमालय के दक्षिण की तरफ से आते हुए जब ये मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ती है उस समय शीतलहरी का आगाज होता है, इसे पछुआ विक्षोभ कहते हैं। प्राय इसका जन्म अगर हम बात करें तो इसे पछुआ विक्षोभ कहते हैं, लौटता मानसून कहते हैं। ये 14 जनवरी से, ये माना जाता है 14 जनवरी से 14 अप्रैल, इसमें क्या होता है, बूंदाबांदी होती है, बादल गरजता है, 3-4 दिन तक बूंदाबांदी होती रहती है। अभी आपने देखा हो जब आपको जनवरी से, यूं समझ लीजिए जनवरी से अप्रैल में होता है, ये जनवरी से अप्रैल के बीच में होता है, ये जनवरी से अप्रैल, तो इन राज्यों में वर्षा करती है। कहां कहां, अब देखिए यहां पे पंजाब है, दिल्ली है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा हरियाणा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वर्षा करता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वर्षा करने के बाद इसके बाद इसके पानी खत्म हो जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या करता है, हल्की वर्षा करते हुए टकराता है, कहां से, यहाँ पे टकरा जाता है ये, ठीक, अराकान योमास, उसके बाद फिर ये यहाँ घूम जाता है, इसकी जलवाष्प, इसकी वाष्प होती है खत्म, तब यहाँ पे आने के बाद फिर इसे यहाँ बंगाली खाड़ी में से फिर भी मिल जाता है, फिर ये जाने के बाद कहाँ पे वर्षा करता है, फिर ये जाने के बाद तमिलनाडु में वर्षा करता है, कहाँ करता है, तमिलनाडु में। तो लौटते मानसून से
तमिलनाडु में वर्षा होती है। दूसरी बात जान लीजिएगा, ये कभी कभी राजस्थान में पहुंच जाता है, जब राजस्थान में जाता है इसे मावठ कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, इसे तब क्या कहते हैं, मावठ। उस समय रबी की फसल के लिए बड़ी, उस समय क्या होती है, गर्मी पड़ती है, गर्मी शुरू होने वाली होती है, तो उस समय रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है ये, ठीक है, तो मावठ। लेकिन जब ये रबी फसल पक जाने के बाद वर्षा होती है तो बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इस बारे में जानते रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर होगा तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये लौटते मानसून से वर्षा होती है, आपने देखा होगा मई में वर्षा हुई, अप्रैल में वर्षा होती है, कभी कभी मार्च में होती है, बूंदाबांदी होती है, तीन चार दिन तक खूब बूंदाबांदी होगी, बादल गरजेंगे, खूब मौसम पूरा काला हो जाएगा, लगेगा या तो गर्मी में काश बरसात आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे हिमपात होता है तो उत्तर भारत में शीतलहरी का आगाज होता है, क्या होता है, शीतलहरी का आगाज, फिर अचानक ठंडक दो तीन दिन के लिए बढ़ जाती है, फिर जो रजाई का दंडा रख के फिर एक बार बाहर निकालिए, तो इसी से बाद में चलकर तमिलनाडु में भी वर्षा होती है, इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, और ये वास्तव में लौटते हुए मानसून से होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइए, हम आगे चले। यहां तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, अगला है आपके सामने मेंटूर परियोजना, मेंटूर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, प्रश्न नंबर 36 का जवाब सभी साथी मित्र इस प्रश्न का देंगे, सरावती, ताप्ती, कावेरी, टोंस, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, कावेरी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, मेंटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको तैयार कर ले। अगला है तातीपाका तेल परिशोधन शाला किस राज्य में है, तातीपाका तेल परिशोधन शाला किस राज्य में है, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तातीपाका तेल परिशोधन शाला किस राज्य में है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा बी, आंध्र प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आपको एक ही जगह आपको मिल जाएगा, जरा कमेंट करिए, मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो शायद आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी शहर जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में, सबसे ज्यादा आबादी वाला जनसंख्या वाला राज्य जो है किस जगह है, कमेंट करके बताइएगा एक बार आप लोग फटाफट, 38,000 सभी लोग दीजिएगा फटाफट, थोड़ा सा जल्दी से खत्म किया जाए, लंबी क्लास हो रही है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा शहरी जनसंख्या राज्य पूछ रहा है तो यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, कुछ लोग यूपी बता रहे थे ना, यहाँ पे शहरी पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर हुआ। अगला, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, कोल डेजर्ट, प्रश्न नंबर 39 जवाब सभी लोग देंगे, जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा कच्छ का रण। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है कच्छ का रण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्छ का रण किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान में संविधान शुरू हो गया, संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है और किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, जवाब सभी लोग दीजिए गलत है सही, सरल सवाल है। 368 अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, 41 जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन देख रहे हैं ना, राष्ट्रपति शासन ये आता है 356, ये साधारण बहुमत द्वारा, किसके द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। अगला है, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं, प्रश्न का 42 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 42 का जवाब सभी साथी सभी मित्र देंगे जितने लोग इसको पढ़ रहे हैं। जो लोकसभा का सदस्य नहीं मंत्री नहीं बन सकता, देखिए संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, सही जवाब, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, यह भी सही है, राज्यसभा का सदस्य, अगर संसद का सदस्य का मतलब लोकसभा राज्यसभा, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, अगर जो लोकसभा का सदस्य नहीं हो राज्यसभा का बन सकता है, लेकिन एक बात यह भी याद रखना है अगर कोई सदन का सदस्य नहीं है तब भी मंत्री बन सकता है, 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, ये मैंने पढ़ाया है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है, ठीक है, जो गलत है वही हमारा सही है।
यहाँ पर देखिए नोट संबंधी जानकारी आप सभी नोट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर जुड़कर सभी क्लास और इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके काम आ जाएगी, इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार पढ़ा है, सबको रट लीजिए एक बार। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, कह रहा है कि निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग 15 में है, आपात उपबंध 18 में है, संविधान संशोधन भाग 21 में गलत है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 10 में है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ये हमने पढ़ाया है और विधिवत रूप से नोट्स बनवाया है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में एकदम पूरा पूरा मिल जाएगा सारे प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? 44 का जवाब सभी साथी मित्र देंगे, लोक लेखा समिति को, संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 44, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कैग, कैग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस भाग में है? ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। कच्छ कारण गुजरात राज्य में सही जवाब, राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वसम्मति से किसने किया था? किसने द्विस्तरीय व्यवस्था कही थी, किसने त्रिस्तरीय व्यवस्था कही थी? यहां पर बलवंत राय मेहता ए, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो 45 का क्या होगा? सी, सॉरी संवैधानिक आधार लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, सी होगा। देखिए इन्होंने ये क्या है, जनक है, ये जनक है, प्रथम बार इनके समय हुआ था, लेकिन संवैधानिक दर्जा अगर बात कर देगा, संवैधानिक अगर संवैधानिक की बात कर देगा, संवैधानिक दर्जा की सिफारिश लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने किया था। ठीक, किसने किया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और ये त्रिस्तरीय है और ये द्विस्तरीय है, ठीक है, द्वि ये त्रिस्तरीय उन्होंने कहा था, इन्होंने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। तो ना गया तो आगे बढ़े, अगला है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है, 2 माह से कम से कम एक बार, प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम एक बार, 6 माह में कम से कम एक बार। 46 जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ग्राम पंचायत की बात कर, ये भी नोट्स में होगा, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। 2 माह से कम में एक, कम से कम एक बार, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये संसद के लिए होगा, विधानमंडल के लिए होगा, ठीक है, मतलब 6 माह से ज्यादा का समय, 6 माह से ज्यादा का अंतर ना हो। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? संसद के लिए कितनी है कोरम? संसद के लिए 1/10 है, विधानमंडल के लिए 1/10 है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए कितनी है कमेंट करके बताइएगा। संसद के लिए 1/10 है, विधानमंडल के लिए अगर हम बात करें 1/10 है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी है? ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। अगला, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इकोनॉमिक्स के सवाल हो गए, ये अर्थव्यवस्था आ गया, 2 ही सवाल अर्थव्यवस्था का आपको मिलने वाला है, 3 सवाल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे हम IMF कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। IMF का मुख्यालय कहां पर है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ये भूगोल का सवाल है, विश्व भूगोल का सवाल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये कोरल रीफ है, कोरल रीफ है यहां पे, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। आज का 50वां और अंतिम सवाल हम कह सकते हैं, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब लर्निंग विद दुर्गेश है। इसे लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहें और आपके सारे नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो उसके लिए आप एक नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और जिला लिख के मैसेज कर दें, ठीक है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी क्लास नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसके साथ सेशन समाप्त होगा। टॉप 50 जो प्रश्न थे हम लोगों ने पढ़ लिया। लातविया की राजधानी रीगा है, ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। आज टॉप 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा, ठीक है। कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्यक्तिगत मैसेज लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अगर कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। खर भला तो वो बता, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं।